हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का आप देख सकते हैं मौसम कुछ अलग ही किया हुआ है, यानी कि ज़्यादा धूप नहीं दिया हुआ है। ज़्यादातर इस दिन जब मैं शूट करता हूँ तो धूप बहुत ज़्यादा देती है, बट आज का आप मौसम देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं, आसमान एकदम क्लियर है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप लोग गैस कर पा रहे होंगे कि क्या है। ये है आलू चिप्स। ठीक है, फिलहाल अब ये सूखने के लिए है, तो जब तक ये सूखेगा, सूखने के बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद इसको तेल में फ्राई किया जाएगा, उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। बट उसके लिए इसको ज़रूरी पड़ेगा सूखना बहुत ज़्यादा। और इधर का मौसम भी क्या हो रही है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिरी रही है, तो इसलिए मौसम आज ऐसा किया, क्योंकि कल पानी गिरी थी, ज़्यादा नहीं गिरी थी बट थोड़ी थोड़ी गिरी थी। चलिए थोड़ी देर में निकलेंगे बलियापुर, जो कि हमारे यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर होगा। एक्चुअली वहाँ पर काम क्या है ना, वहाँ पर काम है आधार कार्ड को वहाँ पर अपडेट कराना है। मेरा तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, बट मेरे जो फ्रेंड है उनका आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो जस्ट उसी के लिए वहाँ जाना है। और वहाँ जो ब्लॉक ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस में देखेंगे, या तो और एक जगह बनता है, न्यूज़ में आया है, तो वहाँ जाकर देखेंगे कि क्या होता नहीं होता, प्रोसीजर क्या होता है, क्या वहाँ अप्लाई होता है कि नहीं होता, या तो अपडेट होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे सीधे बलियापुर में। तो फाइनली अभी हम लोग बलियापुर ब्लॉक में हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सामने है आधार कार्ड सुधार केंद्र, बट अभी तक खुला नहीं है, टाइमिंग है यहाँ के 11 बजे। अब देखते हैं क्या होता है, वहाँ चेंज होता है कि नहीं होता है। जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम हुआ नहीं, और किस्मत ही ख़राब है, क्या बोले। और एक्चुअली जिस जगह पर हम लोग गए थे आधार को सुधार कराने, यानी कि उसको अपडेट कराने के लिए, तो उसका फैमिली का कोई डेथ कर गया, जिस कारण वो नहीं हो पाया। तो भैया को हम लोगों ने फ़ोन किया, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी नहीं होगा, अभी 10-12 दिन के बाद फिर दुकान खुलेगा। और इसके बाद हम लोग प्रखंड भी गए थे, जो बलियापुर प्रखंड होता है, बट वहाँ भी ये काम हुआ नहीं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट डे कब होता है, नहीं होता, ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए ब्लॉग पर, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। अभी तक आपने जिन्होंने अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए फटाफट। फाइनली अभी हो रहा टाइम 7, और मैं फिलहाल गया तो धनबाद, तो कि मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गई थी, जिसका मैं क्लिप ले ही नहीं पाया। और एक्चुअली था क्या, वहाँ पर मेरे दोस्त का उसका एग्ज़ाम था, तो अभी मैंने जस्ट 6 बजे आया, उसके बाद जो कि आपको पता है, उसके बाद मैं ट्यूशन कराता हूँ, तो उसके बाद मैंने ट्यूशन कराया, और अभी 7 बज रहा है। तो अभी फिलहाल बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस कारण अभी हम लोग रूम में हैं, और बारिश रुकने दीजिए, उसके बाद देखते हैं बाहर का माहौल कैसा रहता है, नहीं रहता है। मैंने सारा किताब लेके चल गया, बट ये कुछ किताब इधर साइड रखा हुआ था, जिस कारण ये सारा किताब छूट गया, तो अभी ये सबको भी लेके जाना है। और मैं सोच रहा हूँ इस ट्राइपॉड को भी मैं नीचे ही लेके रख जाऊँ, क्योंकि वहीं पर सही रहेगी। और यहाँ पर भी कुछ मेरे सामान है, जो कि माइक वगैरह है, ये टेबल का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, अगर नीचे आ जाती है तो सही है, वरना इसको ऊपर में रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में जगह है नहीं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, क्योंकि जहाँ पर मैंने किताब वाला रखा था उसके बगल में क्या रखा हुआ, उसके बगल में ही फ्रिज है, जिस कारण ये सब नहीं हो पाएगा। तो देखते फिर भी अरेंज करते, या तो इसको यहीं पर रहने देंगे। बूंदे आपको दिखाई मिल रही होंगी, बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है, उतनी भी ज़्यादा नहीं बट स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल अभी अनकंसियस बारिश है, क्योंकि अभी तो बारिश आने का टाइम है नहीं, बट फिर भी बारिश आ रही है, देख सकते हैं बिजली कड़कना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।